अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं पहले रोज़े की इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहली इफ्तारी में बना रही हूँ चने की दाल, दही बड़े और आलू के भजिए। आप लोग देख सकते हैं ये दाल को धो के आधा घंटा पहले भिगा के रख ली हूँ, ये चूल्हे पर चढ़ा लूँगी। इधर मेरी दाल गले तक मैं दही बड़े बना लूँगी। मसाला आप लोग देख सकते हैं ये दही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत यम्मी यम्मी दही बड़े बनाती हूँ मैं इफ्तार करते वक्त। मसाला आप लोग देख सकते हैं ये मैं हरी मिर्ची खोती मिर्च पीस के रख ले। खाली ये खोती मिर्च हरी मिर्ची पीसी हुई, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये नमक है, इस तरीके से मिला लूँगी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मिला लूँगी मैं। अब मेरा ये दही तैयार हो चुका है, थोड़ा सा खोती मिर्च डालूँगी मैं आपके रख लूँगी। ये बेसन है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये अदरक लहसुन है, ये नमक है, ये जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी मिलाना, ये एक चुटकी खाते से सोडा डाल रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा खोती मिर्च डाल रही हूँ। बहुत मज़े के बनती है खोती मिर्च डाले तो। अब मैं इसको मिला लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिला लूँगी। बहुत टाइम जल्दी से सरक रहा है, पहला रोज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ था, मगर थोड़ी सी पानी की तलखी लगी है, मगर क्या कर सकते, फ़र्ज है रोज़े छोटे बड़े सबको रहना है ना। अल्लाह सबकी इबादतें कबूल फरमाए, उनके रोज़ा कबूल फरमाए, मेरा भी रोज़ा मेरी फैमिली का भी रोज़ा कबूल फरमाए। माशाल्लाह पहला रोज़ा गुजर चुका है, आगे के भी रोज़े सबके अच्छे जाओ अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। ये दही बड़ों का पेस्ट तैयार हो चुका है, एक 10 मिनट रख लूँगी मैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी चने की दाल गली नहीं गली, देख रही हूँ चक्कर के, थोड़ा सा गलना बाकी है, गले बाद आप लोगों को बताऊँगी। मैं चूल्हे पे कढ़ाई रख ली हूँ तेल गरम करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मेरा तेल गरम होते कि मैं भजिए तलने की तैयारी कर, ये भजिए तल रही हूँ मैं। बहुत देखिए एहतियात से करना पड़ता है, तेल उछलता है, आप लोग भी एहतियात से करिए। सकते हैं ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं ये पानी में डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पानी में भिगा ली थी तलते की, अब मैं इसकी हाथ की मदद से प्रेस करूँगी। देख सकते हैं आप बहुत नरम बनते हैं मेरे दही बड़े। अब ये दही में छोड़ते जाऊँगी मैं दही बड़ों को। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही दही बड़ों की। देख सकते हैं मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ, आप बघार करते खुद आप लोगों को बतलाऊँगी। अभी मैं आलू के भजिए तल रही हूँ, ये आलू को काट करके साफ करके रख ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्या अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं पूरे इसी तरीके से तली, जो बचा है ना मैं इसी में बघार करती हूँ दही बड़ों का। ये जीरा डाल रही हूँ मैं, ये राई डाल रही हूँ, दो तीन हरी मिर्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मैं हल्का सा ब्राउन कर ली हूँ। मैं ये बघार ठंडा हुए बाद हल्दी डालूँगी जब आप लोगों को बचलाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये कोथमीर पुदीना मिले हुआ है, टाइम कम है ना इसलिए मैं अलग अलग नहीं बतला सक रही हूँ। ये थोड़ी आप लोग देख सकते हैं, ये नमक है, बहुत मज़े की बनती है मेरी चने। ये नींबू है, अब मैं ये काली मिर्ची डालूँगी। अब मैं ज़रा हाथ से मिला लूँगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत गर्म है, फिर भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, टाइम बहुत कम है ना, रोज़े का टाइम हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरी चने की दाल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। थोड़ा सा बघार ठंडा हुए बाद मैं हल्दी डालती हूँ। मैं हल्दी दही में नहीं मिलाती हूँ, बघार में डालती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ये दही बड़ों में मिला लूँगी। चलो आप लोग देख सकते हैं मेरा बघार ठंडा हो चुका है, अब मैं बघार कर रही हूँ दही बड़ों। माशाल्लाह क्या कलर आया है देखिए मेरे दही बड़ों का। चलो आप लोग देख सकते हैं मेरे दही बड़ों का कलर कितना प्यारा आया है, आप लोग देख सकते हैं। मिर्ची लगा के दही बड़े खाए तो वाह वाह बोलेंगे आप लोग। एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए आप लोग माशाल्लाह। ये मेरे दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं इधर मैं रूअफज़ा बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूअफज़ा डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं इधर शक्कर डालूँगी।
माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं पीस बर्फ़ के डालूंगी मैं। ये बालंगा इसलिए नहीं मिला है तो बालंगा के संगत पीते रोजा नहीं तो प्लेन भी पीते मर्जी से मत पीते बल्कि मैं इसी गिलास में भिगा के रख लेती हूँ। तो तैयार हो चुका है, मैं मेवा काटूंगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं उधर रोजा बन गया है, इधर मैं इधर पूरा मेवा काट लूँगी। तरबूज है, बहुत अच्छा कलर है तरबूज का, पूरी इसी तरीके से काट लूँगी मैं, छिलका उतार लूँगी। चलो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मैं इसके पीसेस बना लूँगी पूरी इसी तरीके से। ये समोसे, मिर्चियाँ, चिकन रोल, हरीस ये बाहर से मंगा ली हूँ मैं। अब चलिए मैं दस्तरखान पे मिलूँगी आप लोगों के संग। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरे दस्तरखान पे कितनी रौनक सजी है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये पहले रोजे की मेरी इफ्तारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, अपने लिए भी दुआ करूँगी। मैं रोज़ा खोल रही हूँ, मैं रोज़ा खोल चुकी हूँ, अब रू अफज़ा पी रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दही बड़े भी चख लूँगी। माशाल्लाह क्या मज़े के हैं मेरे दही बड़े, यम्मी 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 बने हैं मेरे दही बड़े। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।